venido por. That's not on that book. Well, it comes out. Yeah, they dig over here. They took out on big ass map. That guess I don't. Why don't we? What do you get? The British you need the place of the market. Okay, so say you got so. Up in mid on my key to plenary book. See, you know, that up on your career. How do you go? What's up when walking? मेरी बात सुनो जी पाए यार मुझे ये बताओ इतना बड़ा ऑफिस बना के उसके अंदर अपने मजदूर को रखोगे यार मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही वैसे इसको मैं तो कहता हूँ इसको निकाह दो मेरे पास एक दो लड़के हैं तो वो तो मैं आपके पास भेज इतना बड़ा ऑफिस बना के लड़का भी उसी हिसाब से होना चाहिए बेशक मैं यहाँ पर ठीक फरमाया ये मधुर आदमी है लेकिन ये बेतफर का हम बेहद अच्छे से कर रहा है मुझे आज बेहद खुशी कह रहा हूँ वसीम यार तुम्हारी बात मैं सुन रहा हूँ मुझे समझ आ गई लेकिन जितना बड़ा ऑफिस नहीं था उसमें ये मुझे नहीं है ठीक है मुझे भाई मैं आपकी बात मान लेता हूँ मैं उसको जॉब से निकाल देता हूँ देखते हैं उसके बदले हम मुझे ठीक है वसीम मैं जा रहा हूँ मेरे पास एक दो लड़की हैं मैं उनको कहा था तो एग्जाम तक वो आपके पास आ गई ठीक है ओके फिर अल्लाह मेरी बात सुनो जी साहब जी आपने बुलाया मेरे हाँ आ जाओ मेरी बात सुनो जी साहब जी आपने बुलाया मुझे को काम था हाँ हाँ मेरे बात ये है कि मैं नौकरी से निकाल रहा क्यों साहब जी मुझे क्यों निकाल रहे हैं नौकरी से मैं मजबूर हूँ इसलिए मैं काम तो आपका मुकम्मल तरीके से कर रहा हूँ साहब जी छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं आप भी एक सहारा थे मेरा जो आपने नौकरी पर मुझे रखा मैं उनको क्या खिलाऊंगा मेरी मजबूर हूँ इसलिए मुझे नौकरी पर भी कोई नहीं रखता अच्छा आगे सुनो बात यह है मेरे बड़े भाई भी आ रहे थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप इस मजदूर को नौकरी से निकाल दें मैं आपको इससे अच्छा लड़का ढूंढ दूंगा बॉय के अच्छा ठीक है कल से तुमने मेरी तरफ से नौकरी पे नहीं ठीक है साहब जी फिर जैसे आपकी मर्जी ये क्या लेना है यार भाई वो मांगने वाला था अभी मैंने दुकान खोली यार वो अभी अभी सुबह सुबह आ गया अच्छा ठीक है भाई यही पूछना था चलो ठीक है अल्लाह हाफिज़ सुनो यार मेरी बात सुनो यार सुनो तो सही ना यार एक मिनट बात तो सुनो क्या साहब जी क्या मैं बात आपकी सुनूं हाँ क्यों क्यों क्या बात है क्यों मांग रहे हो यार बताओ तो सही नहीं वाह साहब जी वाह नौकरी से भी निकलवा दिया और आप पूछते हो कि मांग क्यों रहे हो साहब जी सबसे बड़ी कमजोरी जो है ना वो मजदूरी है मेरी इस मजदूरी के तहत मुझे और कोई भी नहीं नौकरी पे रखता बलायन साहब का जिन्होंने मुझे नौकरी पे रखा हुआ था मुझे लाचारे को आपने उस नौकरी से भी निकलवा दिया और मुझे इस मजदूरी में कौन जॉब देगा अभी मैं मांगू नहीं तो बच्चों का पेट कैसे पालू मैं भाई मैं मानता हूँ मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ
मैंने आपको, मेरी वजह से आपको उसने वसीम ने काम से निकलवा दिया। मैं अभी वसीम को कॉल करता हूँ कि वो आपको, आप चले जाए उसके पास, वो आपको रख लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है? ठीक हो? ठीक ठाक, अल्लाह पाक का शुक्र। भाई आप सुनाएं। ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये भाई सुना है, आपने खैरियत से कॉल की मुझे? हाँ, मैंने इसलिए कॉल किए कि यार वो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो जो मजदूर था ना आपके पास, उसको आप गाँव में रख दो, क्योंकि वो तो मेरी वजह से मांगने के लिए मजबूर हो गया, मांगने में मजबूर हो गया। यार आप उसको रख लीजिए। भाई पहले आपने खुद बोला था कि उसको नौकरी कर दो, आप कह रहे हैं उसको रख लेते हैं, आप रख लेते हैं। बात